हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब आई होप अच्छे होंगे तो गाइस मैं ही मांगी मैं आज आपके साथ में जो शेयर करने वाली हूँ वो तो ऑलरेडी आपको टाइटल पढ़ के समझ आ चुका होगा तो गाइस आज का जो फेस पैक है जो कि आपके स्किन पे इंस्टा ग्लो देने वाला है आपके पिगमेंटेशन को दूर करेगा साथ में दाग धब्बे को रिमूव करेगा एंड आपके सार डार्क सर्कल्स को रिमूव करता है टैन को रिमूव करता है स्किन को टाइट करने में मदद करता है झुड़ियों फाइन लाइन्स वगैरह कई हद तक की स्किन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो इसको बनाना बहुत आसान है चलिए गाइस देख लेते हैं इसको

पाउडर जो कि आपके एक्ने पिगमेंटेशन छुरी को ख़त्म करता है इसमें विटामिन सी होता है जो कि आपके दाग धब्बे को रिमूव करता है इसके बाद मैंने लिया है मुल्तानी मिट्टी मुल्तानी मिट्टी जो होती है आप की स्किन की डेड स्किन को निकालता है ऑयली स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिट है एंड आपके पोर्स को खोल करके क्लीन करता है और पोर्स को टाइट करने में भी मदद करता है तो मुल्तानी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होती है आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए तो गाइस इसको अच्छे से सब मिक्स कर लूँगी अब मैं यहाँ यूज़ करूँगी गुलाब जल आप चाहे तो कच्चा दूध भी मिला सकते हैं अगर आप चाहते हैं मिलाना तो मैंने यहाँ कच्चा दूध नहीं लिया है ओनली मैं गुलाब जल मिला रही हूँ गुलाब जल जो होता है हमारे पिंग मेडिटेशन को दूर करता है स्किन को एक ठंडे कूलिंग देता है स्किन पर काफ़ी अच्छे के बेनिफिट होता है तो क्या इसे मिला के अच्छे से मैं फेस पैक बना लूँगी अगर फ्रेंड्स आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें शहद भी मिला सकते हैं चाहे तो आप लेमन भी मिला सकते हैं बेटर लेमन की मिलाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर क्योंकि हमने ऑरेंज पील पाउडर लिया है जो कि इसमें विटामिन सी वगैरह होता है आपके पोर्स को काफ़ी अच्छे से बनाता है और आपकी स्किन को एक ग्लो बहुत अच्छा देता है तो ये पैक मेरा तैयार हो चुका है इसमें गुलाब जल मिला के अच्छे सा पैक बना लूँगी इसको अपने फेस पर अप्लाई करना है आपको फेस पर अप्लाई करने की वजह से आपकी स्किन की काफ़ी हद तक की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो फ्रेंड्स आप अगर मेरे चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को कले सब्सक्राइब में कर लीजिए बेलाइकिन को प्रेस जिससे कि हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले मेरी तो तो आप मेरी वीडियो देख सकते तो गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं हमारा इंस्टाग्राम आईडी है मांगी यूट्यूबर तो आप चाहे मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो तो गाइस इसको फेस पर अप्लाई करना बहुत ही आसान है चलिए मैं फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ तो गाइस काम फेस पर मैंने अप्लाई कर लिया इसको पूरे एक मोटी सी लेयर क्योंकि एकदम पतली लेयर हमको नहीं लगानी है तो मैं एकदम मोटी सी लेयर अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी पूरे फेस पैस को बहुत अच्छे से आप यूज़ कर लीजिएगा आप इसको आँखों के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं आपको आप आँखों पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पहुँचाएगा आप पूरे फेस पे इसको अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं आपकी कहीं भी अप्लाई कीजिए नेक पर और वगैरह सब जगह आप यूज़ कर सकते हैं मैंने पूरे फेस पे इसको अप्लाई किया है मै मैंने अपने आँखों के ऊपर भी यूज़ किया है आईब्रो वगैरह मैंने पूरे फेस पे ही अप्लाई किया है इसे ये आपके किसी भी तरह के स्किन पे कोई भी हार्म नहीं पहुंचाने वाला एक तो नेचुरल है आपकी स्किन पर बहुत ही ज़्यादा आपके बेनिफिट देखने मिले तो मैं इसको लगा लूंगी एंड इसको लगाने के बाद दस से पंद्रह मिनट के लिए छोड़ दूंगी उसमें हल्का सा ड्राई हो जाता है ड्राई होने के बाद अपने हाथ हल्के से गीले कीजिएगा हाथ गीले करने के बाद आपको करनी है इसे मसाज तो गाइज मसाज करने से क्या होगा कि आपकी स्किन की काफ़ी जो डेड स्किन होती है इसको रिमूव करने में मदद करता है साथ में आपके पिगमेंटेशन को दूर करता है एंड पिंपल्स आपके अगर बार बार होते हैं तो उनको दूर करने में दब करता है एंड दाग धब्बों को रिमूव करता है तो गाइस अब जैसे कि आप देख रहे हैं मसाज कैसी करनी है ऐसी आपको सर्कुलेशन में मसाज करनी है आपको जिस साइड मसाज करते हैं सेम वैसे ही मसाज करनी है हल्के हाथों से मसाज कीजिएगा पाँच मिनट ऑनली बहुत है मसाज करने के लिए तो पाँच मिनट मसाज करने के बाद में फेस को वॉश कर लीजिएगा तो ये आपके फेस आप देखेंगे कितना अच्छा ग्लो आता है तो मैं मिलती हूँ फेस वॉश करने के बाद तो गाइस आप देख रहे हैं मैंने यहाँ फेस वॉश कर लिया है आप मेरे फेस पे ग्लो देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो आपको देखने को मिल रहा होगा तो अपने हल्के टॉवल कोई भी ले लीजिएगा फेस वॉश फेस करने के बाद मैं अच्छे से मतलब आप कर लीजिएगा इसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजर और सीरम अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं तो फ्रेंड्स ये फेस पैक कैसा लगा जरूर बताइएगा फेस पैक पसंद आता तो, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना साथ में फ्रेंड्स वैमिली जरूर शेयर कीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को और हाँ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय टेक के एंजॉय वीडियो